देखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज्ड पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका पाथ कैसा होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, आज हम ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है, उसकी एनर्जी में क्या चेंज आता है। तो पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ऐसे, तो क्रॉस का मीनिंग क्या है, यहाँ से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ अंदर एक प्लस चार्ज एंटर करता है, प्लस क्यू, इसके अंदर इसकी एनर्जी में चेंज तब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने में इसकी एनर्जी में चेंज तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई वर्क करे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पर कुछ वर्क करेगी सो दिस वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, या इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना जहां वेलोसिटी है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वही होगा जहां उसकी वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब दोनों में एंगल कितना रहेगा, 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन कितना, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे कितना वर्क करेगी, जीरो। और अगर वर्क नहीं कर रही है तो इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। ध्यान दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म भी हर समय कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। तो ओवरऑल वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है तो इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगर एनर्जी चेंज नहीं तो मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसको मत लिखना यहां पे, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल क्यू, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल when it enters magnetic field। ये important line लिखी है मैंने यहाँ पे कुछ, when it enters magnetic field। Energy में change नहीं, मतलब no change in speed। तो magnetic field चार्ज की एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आता है क्योंकि वर्क डन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज एंटर करता है प्लस क्यू ऐसे यहाँ से, तो क्या इसकी एनर्जी में चेंज लाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो एनर्जी में चेंज नहीं लाती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आती है? आंसर इज यस। क्यों लेके आती है इसकी एनर्जी में चेंज? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड बढ़ा देती है। कैसे? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज क्यू ई। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। तो इतना एक्सेलरेशन देती है ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज को, क्यू ई अपॉन एम। और अगर एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड बढ़ेगी, तो मतलब एनर्जी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी चेंज नहीं करती है। समझ में आ गया?
ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें, देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ इंटर कर रहा है, ऐसे फेंका हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ से ऊपर ऐसे, तो ये यहाँ जाने के बाद कहाँ कहाँ मूव करेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये मूव करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये करने की जरूरत नहीं है मैं ये समझा रहा हूँ बस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज को फेंके यहाँ से तो ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज उधर की ही तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स वहीं लग रहा है, ठीक। तो अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कराएं वो कहाँ मूव करेगा, अब वो देखना है उसके साथ क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी वो देखना है। तो एक बेसिक जो यहाँ से पता चला वो ये, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नहीं बदलता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को चेंज करता है क्योंकि एक्सेलरेट करता है वो चार्ज पार्टिकल को, समझ गए, ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखने वाले हैं चार्ज पार्टिकल की, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो यहाँ पे टू केसेस अपने पास बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा कि हमने चार्ज पार्टिकल को इंटर कराया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इंटर कराया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो केस नंबर वन इसके अंदर, केस ए, केस ए, वी परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को कैसे इंटर कराया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कैसे यहां पे समझिए, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है क्रॉस, क्रॉस का मतलब यहां से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से ऐसे अंदर की तरफ, समझ रहे हैं। यहां से एक चार्ज पार्टिकल आता है, यहां से एक चार्ज पार्टिकल आता है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, यहां से वो सीधा चल रहा था, यहां से ऐसे इंटर करता है, देखो परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, यहां से अंदर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से अंदर की तरफ चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा इसके साथ क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कहां लगेगा वो फोर्स देखते हैं, देखते हैं, देखो यहां ऐसे, ध्यान से देखना यहां पे, ध्यान से देखना, यहां बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी इधर है, वी इधर ऐसे आ रहा है और बी अंदर है, तो पाम अंदर, पाम अंदर की तरफ और वी ऐसे, तो फोर्स कहां लगेगा, थंब देखो इधर की तरफ, तो ये ऐसे अंदर इंटर कर रहा था और इस पर फोर्स लग गया इधर की तरफ, तो ये ऐसे गोल घूम के ऐसे चले जाएगा, फोर्स इधर की तरफ लग गया इस पर, ठीक। अब ये ऐसे जा ऐसे रहा था, घूम गया तो यहां पहुंचा, अब ये वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसे हो गया, ये ऐसे जा रहा था ऐसे घूम गया, अब ये इधर की तरफ जा रहा है, तो वी इधर, बी अंदर, थंब देखो नीचे की तरफ, वी इधर, इधर आ गया ना ये, और बी अंदर है, तो थंब कहां गया, नीचे की तरफ, थंब नीचे आ गया ऐसे, थंब नीचे आ गया, थंब नीचे आ गया, तो अब इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये ऐसे घूमा ऐसे और नीचे फोर्स की वजह से ये ऐसे घूम गया ऐसे। अब ये देखिए यहां से नीचे आ रहा है, ये यहां से नीचे, तो V नीचे, B अंदर, तो फोर्स देखिए किधर की तरफ आया, V नीचे ऐसे, B अंदर है तो फोर्स आ गया इधर की तरफ, यहां से ऐसे, तो ये फिर ऐसे घूम गया, तो ओवरऑल ये ऐसे करता रहेगा, मतलब क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक। तो समझ जाइए कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल घूमने लगता है। तो लिख लेते हैं यहां पे क्या होता है उसके साथ, चार्ज्ड पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये देखिए यहां से आया फोर्स इधर लगा तो ऐसे घूम गया, यहां से फोर्स नीचे लगा नीचे घूम गया, इधर लगा इधर घूम गया, फिर यहां जा रहा था फोर्स यहां से ऊपर लगेगा, फिर इधर बी नीचे, ये तो फिर ये ऐसे घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, गोल घूमता रहेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, समझ गए, ठीक है। अब देखो अगर ये गोल घूम रहा है तो गोल घुमाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस पे आ कहां से रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स में जो इसको गोल घुमाता है, ठीक। लिख लेते हैं यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा तो इस केस में 90 है क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, वी और बी के बिटवीन 90 डिग्री एंगल है, तो बी क्यू वी साइन 90 इज 1, इट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, मास ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस, यहाँ पे सर्किल नहीं बना अच्छे से लेकिन सर्कुलर पाथ है ये, इसको सही से बना लो ऐसे, इसका कुछ तो रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का, ठीक वो है आर। अब देखो V से V गया तो R कितना आ गया, यहां पे कुछ पॉइंट बना लेते हैं, फर्स्ट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कितना रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आया मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कुलर मोशन ही एग्जीक्यूट करने लगा तो सर्कुलर पाथ का कुछ तो रेडियस होगा, तो R यहां से निकालेंगे, V भी गया तो R ये नीचे, तो ये आ गया एम वी अपॉन बी क्यू, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये V गया ना एक पावर, तो R इक्वल टू एम वी अपॉन, ये नीचे आ गया एम वी अपॉन बी क्यू, सही है समझ में आ गया, सिंपल है। सेकंड रेडियस तो मिल गया जी हमको, अब देखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब ये एक चक्कर यहाँ से गया और वापस यहीं पे आ गया, कितने टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है, वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से गोल घूम के यहाँ पे वापस आ गया, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का, कितना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड, स्पीड इज वी, स्पीड कितनी वी, ठीक है वी का वैल्यू यहाँ रख ले, वी इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम, यहाँ पे रख लो बी क्यू आर अपॉन एम, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब रखोगे आप या तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू रख लो, आर इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, वी भी गया तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। ध्यान दे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कुछ भी हो चार्ज पार्टिकल की उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बी में डाला कुछ वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड, जो उसका टाइम पीरियड होगा वो अगर उसको 20 से डालें, फिर मैंने दूसरे केस में 30 से डाल दिया, टाइम पीरियड सेम रहेगा। फिर से देखो क्या कहने का मतलब क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला परपेंडिकुलर, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। अगर मैं उसको 10 मीटर पर सेकंड से डालता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, तो उसका रेडियस तो बढ़ जाएगा वेलोसिटी बढ़ाने से, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो ये है इसका टाइम पीरियड। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल डिनोटेड बाय न्यू एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, बस ये हो गया। ठीक है, अब आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी जरूरत पड़ती है साइक्लोट्रॉन में, खैर साइक्लोट्रॉन तो इस टाइम पे डिलीट कर दिया लेकिन फिर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी कर सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई 2 पाई गया बी क्यू अपॉन एम, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बी क्यू अपॉन एम, सही है यार, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई 2 पाई गया बी क्यू अपॉन एम बचा, समझ में आ गया। ठीक, तो ये है केस नंबर एक, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, गोल घूमने लगता है ऐसे ऐसे। ठीक, अब केस नंबर टू, केस बी, केस बी है वी अलोंग बी, अगर परपेंडिकुलर इंटर ना करे, कुछ एंगल बना के इंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो अब चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, केस बी वी अलोंग बी, अब परपेंडिकुलर नहीं इंटर कर रहा है, अब कुछ एंगल बना के इंटर कर रहा है, कैसे इसको ऐसे समझ लें, यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है अलोंग वाई एक्सिस, यहां ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, यहां से ऊपर की तरफ, अब एक चार्ज हम यहां इंटर कराते हैं विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से एक चार्ज इंटर करता है थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा इस चार्ज के साथ, क्या होगा, परपेंडिकुलर आता तो सर्कुलर मोशन करता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
तो इसको समझने के लिए हमने v को रिजॉल्व कर दिया, वेलोसिटी को थीटा के साथ जो कि b के अलोंग है, मिला v cos थीटा, और v cos थीटा के परपेंडिकुलर यहाँ यहाँ मिलेगा v sin थीटा। अब देखिए ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये b के अलोंग है, तो ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे ऊपर लेके जाएगा, और जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है ये कैसा मोशन कराएगा चार्ज को, सर्कुलर मोशन, समझिए v sin थीटा वाला b के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से v sin थीटा की वजह से चार्ज तो सर्कुलर मोशन करेगा, और v cos थीटा की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, तो इसका मोशन कैसा होगा सोचिए, v sin थीटा वाला उसको गोल घुमा रहा है सर्कुलर मोशन, v cos थीटा ऊपर लेके जा रहा है, तो मोशन कैसा होगा, समझ रहे हैं, ऐसा स्प्रिंग जैसी होती है, और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हेलिक्स। कैसा, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां से, ये ऐसे आएगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, v sin थीटा की वजह से ऐसे गोल घूम रहा है और v cos थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है, तो इस पाथ को कहते हैं हेलिक्स पाथ या हेलिकल मोशन, इसको कहेंगे हेलिकल मोशन, समझ गए, लिख लेते हैं इसको, ड्यू टू v cos थीटा चार्ज मूव्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू v sin थीटा इट एग्जीक्यूट्स सर्कुलर मोशन, तो ओवरऑल पाथ कैसा हो गया, हेंस चार्ज पार्टिकल, हेंस चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट्स कैसा मोशन, हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हेलिक्स पाथ ऐसा लेता है वो, v sin थीटा गोल घुमा रहा है, v cos थीटा ऊपर लेके जा रहा है, तो ये ऐसे होगा, समझ गए, हेलिकल मोशन। दोनों ही केस अगर आप देखें, परपेंडिकुलर इंटर करें या कुछ एंगल बना के एंटर करें, दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, गोल घूमने लगता है या तो ऐसे ट्रैप हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड विलन है चार्ज के लिए, वो उसको फंसा देती है, ट्रैप कर देती है, तो ये विलन बड़ा खतरनाक है, इसने चार्ज को ट्रैप कर दिया, ठीक है। इसके लिए भी कुछ टर्म्स बना लेते हैं हेलिकल मोशन के लिए, इसको मैं थोड़ा सही से ड्रॉ कर दूं, यस, इसके लिए भी कुछ टर्म्स हम बना देते हैं, इसको थोड़ा मैं सही से ड्रॉ कर देता हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसा मोशन करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के रहा, ठीक, चलो पूरा ही कर देते हैं, ये एक्स ये जेड, यहां आ रहा था ये वी थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ठीक है। अगर देखें इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, इसका कुछ तो रेडियस होगा ऐसे, तो रेडियस आ जाएगा इसमें, रेडियस आ जाएगा इसमें आर इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है साइन थीटा वाला, तो एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू, यहाँ पर ये आएगा, या परपेंडिकुलर वाला बोल सकते हैं इसको, वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है वी परपेंडिकुलर, लेकिन v sin थीटा लिखो तो ज़्यादा सही, ठीक। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r, जो वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r अपॉन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो, कौन सी वेलोसिटी उसको घुमा रही है, v sin थीटा, 2 पाई r अपॉन v sin थीटा, r का वैल्यू रख लो एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू, 2 पाई एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू, बी क्यू वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, अभी भी टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा, ये हो जाएगी बी क्यू अपॉन एम, 2 पाई न्यू मतलब बी क्यू अपॉन एम, ठीक है ये। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें हेलिकल मोशन के लिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है पिच, ये पिच क्या होता है इसको लिखते हैं, यहीं कर लें, ठीक है। पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ये पूछ लेते हैं कभी कभी वन मार्क में, पिच क्या होता है लिखो,
पिच, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवॉल्यूशन। जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस कवर किया, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस कवर किया वन रिवॉल्यूशन में, उसे कहते हैं पिच। तो क्या है पिच? यहाँ देखिए, चार्ज पार्टिकल ऐसे, ये ऐसे यहाँ से गया, मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ। चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ पे आ गया। तो ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यहाँ से गया ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका, वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये होती है हेलिकल मोशन की पिच, हेलिकल पाथ की पिच। तो ये पिच है, ये है पिच। यहाँ से ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये है पिच। तो ये पिच कितनी हो जाएगी? पिच क्या है? एक डिस्टेंस ही है, लीनियर डिस्टेंस है। तो पिच इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है वी कॉस थीटा से, इनटू टाइम। कितना टाइम लेगा यहां से यहां जाने में, जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड। तो पिच इक्वल टू कितना आ गया, टाइम पीरियड रख लो यहाँ पे, 2πm अपॉन बी क्यू। तो ये हो जाएगा 2πm वी कॉस थीटा अपॉन बी क्यू, ये है पिच, 2πm वी कॉस थीटा अपॉन बी क्यू, सही है। फिर से देखो पिच क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो यहां से यहां पे जब वो आया, कितनी डिस्टेंस कवर की, वो पिच है। तो पिच इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, बिकॉज थीटा, कितना टाइम पीरियड, कितना टाइम ले रहा है, जो उसका टाइम पीरियड है, जो कि 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो ये आ गया 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन बी क्यू, दिस इज पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक हो गया, समझ आ गया? यस सर, आ गया। अब देखो, अभी अभी आगे चलते हैं और अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। लेकिन समरी देख लो एक बार फिर से, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अलोंग आ रहा है, तो वो कैसा पाथ लेता है? हेलिकल पाथ लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, इक्वेशन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10^-2 टेस्ला, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आता है इतनी, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10^7 मीटर पर सेकेंड, डिस्क्राइब्स अ सर्किल ऑफ रेडियस 6×10^-3 मीटर। आपको फाइंड करना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करें? तो R इक्वल टू हम जानते हैं एम वी अपॉन बी क्यू, हमें E अपॉन एम फाइंड करना है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं इसको E कर लेता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें चाहिए E अपॉन एम, हम इसको यहाँ ले गए, E अपॉन एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास V अपॉन बी आर। तो E अपॉन एम इक्वल टू V, V रख लो यहाँ पे, 10^7 अपॉन B, B इज 10^-2, R इज 6×10^-3। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 10^12 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.67×10^11 कूलाम पर केजी। जा गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.67×10^11 कूलाम पर केजी। ठीक है, एक फिनोमिनन होता है नेचर में, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं उसको आपको, ऑरोरा बोरिलिस। अगर हम पोलर रीजन्स में चले जाएं, जैसे अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा में, खैर मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला, आपको जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाइए पोलर रीजन्स में, ये अलास्का में या नॉर्दर्न कनाडा की तरफ, वहाँ पे स्काई में हमको कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा वो फिनोमिनन होता है, कलरफुल लाइट्स हमको दिखाई देंगी वहाँ पे। क्यों वो कलरफुल लाइट्स हमको दिखाई देती हैं पोलर रीजन्स में, क्या रीजन है उसका? तो हम उसको यहां से समझा सकते हैं क्या रीजन है। देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम जानते हैं ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होंगी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होती हैं पोल्स में। ठीक है, हम सब आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, सन से, जब सन में सोलर स्टॉर्म आता है, सन स्टॉर्म आता है, तो चार्ज पार्टिकल सन से, चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स इंटर करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, और जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स इंटर करेंगे
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो यहाँ ऐसे हेलिकल मोशन करने लगते हैं, ऐसे घूमने लगते हैं, ये ऐसे ऐसे। जब चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं तो ये घूमते हुए एटमोसफियर के एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हैं और उनको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। अब जैसे एक्साइटेड ऑक्सीजन होगी तो वो हमें ग्रीन लाइट देती है, और एक्साइटेड नाइट्रोजन वो हमें पिंक लाइट देती है। तो ये रीज़न है हमें कलरफुल लाइट्स दिखने का, ये हम मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड से समझा सकते हैं। तो एंड में ये वीडियो आ रही है आपके पास, इसको देखना, ये रियल है, ऐसा होता है जो वीडियो में लास्ट में दिखाने वाला हूँ आपको। तो आज के लिए इनफ है, वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ आपको। थैंक यू।